नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगले 24 घंटे में आपके दुश्मन की कमजोरी आपके हाथ लगने वाली है। लोहा गर्म है दोस्तों, तुरंत मार दीजिए हथौड़ा। दोस्तों, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है अगले 24 घंटों में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर आपके लिए बनाई गई है। आपसे बस छोटा सा निवेदन ये करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी लिखना ना भूलें। इसी के साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली और भी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगले 24 घंटों की, यानी कि दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर आखिर आपके कैसे रहने वाले हैं, आपके लिए आने वाला समय क्या कुछ करना है आपको, क्या नहीं करना है, और किन चीज़ों को करने से आपको सावधान रहना है, किस तरह से रहने वाले हैं आपके अगले 24 घंटे ग्रह गोचर के आधार पर, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ अच्छे विचारों के साथ में। ये अच्छे विचार आपके ग्रह गोचर के आधार पर निर्मित किए गए हैं, साथ ही आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार जरूर करेंगे, तो इन्हें आप बिल्कुल ध्यान से सुन के और समझ कर ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, लक्ष्य बड़ा हो तो कभी भी राह में आने वाली बाधाओं से, मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए। मुसीबतों की वजह से हम सब तक रहकर काम करते हैं, और गलतियां होने की संभावनाएं भी जो होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। जीवन में कभी कभार कुछ समस्याएं ऐसी भी आ जाती हैं कि जब हमें आपके रास्ता दिखाई नहीं देने लगता, ऐसी स्थिति में भी हमें ठहरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। हो भी सकता है कि आगे बढ़ते रहने से आपको समस्याओं के हल मिलने लगे। ठहर जाएंगे तो समस्याएं दूर नहीं होंगी, बल्कि आप बिछड़ जाएंगे। सकारात्मक सोच भी आपकी बेकार हो जाएगी, इसीलिए आप अच्छी सोच के साथ में आगे बढ़ते रहें। जहां तक रास्ता आपको दिख रहा है, सबसे पहले आप वहां तक चले जाइए, और हो भी सकता है कि आगे का रास्ता आपको वहां पहुंचने के बाद में दिखने लग जाए, और वो रास्ता आपकी मंजिल का आखिरी रास्ता होगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा चलते रहिए, मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जीवन बहुत ही छोटा है, इसीलिए आप अन्य असफल लोगों के पीछे भागने से अच्छा है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करें। अगर आप दूसरों के पीछे हमेशा भाग भाग कर रहे हो और आप कंपेयर कर रहे हो लोगों से, आप टोक टाक कर रहे हो। बहुत लोग होते हैं कि दूसरे को टोकते हैं कि इनकी हाय हाय करेंगे या फिर इनके पीछे पीछे भागेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा काम निकलवा देंगे। तो किसी के पीछे भागने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जीवन में ज़रूर आगे बढ़ जाएंगे। सम्मान मिले या फिर ना मिले, आपको अच्छे काम करते रहना चाहिए। सूर्य तब भी हर रोज़ उदय होता था जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं, ठीक उसी प्रकार आप अच्छे काम करते रहिए, इसका फल आपको ईश्वर ज़रूर देंगे। क्योंकि कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। और दोस्तों, अगर आप गहन तरीके से विचार करते हैं किसी भी समस्या का, तो आपको उसका हल ज़रूर मिलता है। बस हमें अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना होगा। जैसे ही सोच अच्छी रहेगी, आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, आपकी लाइफ के सारे काम भी अच्छे होते चले जाएंगे। देखिए, जो आपका आने वाले 24 घंटे हैं उसमें आपको विचारों को समझने में थोड़ी सी मुश्किलें लगेंगी। जब तक विचार स्पष्ट नहीं होते हैं तब तक आप किसी से भी बात करचीत करना पसंद नहीं करेंगे। लोगों के साथ मेल जोल बना रहने के साथ खुद को भी आप अलग रखने की कोशिश कर सकते हैं। लोगों से मिल रही आलोचनाएं या फिर सुझावों की वजह से आपकी दुविधाएं बढ़ सकती हैं, चंचलता और बेचैनी बढ़ सकती है। इस कारण निर्णय लेने के बाद भी आपको बार बार बदलाव करने की कोशिश की जा सकती है। खुद की बातों के साथ ही आप अन्य लोगों की बातों पर भी ध्यान देना होगा। करियर से जुड़ा बड़ा निर्णय लेने से पहले कुछ अनुभवी लोगों के साथ में सलाह मशवरा आप अवश्य कर लें। बातें साफ रूप से समझ में अगर ना आने की वजह से मन में थोड़ी सी भी बेचैनी भी अगर रहेगी, थोड़ा दबाव बना रहेगा। इसी के साथ ही दोस्तों, जो आपका डर है उसे आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि आखिर आप डर क्यों रहे हैं। भावनात्मक रूप से आपको कमज़ोरी भी अगर लग रही है, करीबी व्यक्ति के साथ अगर बातचीत बंद हो सकती है जिससे आपका तनाव और भी बढ़ सकता है, तो काम से संबंधित बातों में अगर रुकावटें आ रही हैं
तो वो आपका हौसला कम कर सकती हैं। तो टेंशन ना लें, सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखते हुए आप और आगे बढ़ते रहिए। रिलेशनशिप की कई बातें आपके सामने आती हैं, लेकिन आप उसे अंदाज करना नुकसान का कारण बन सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ बातें ऐसी उजागर हो रही हैं जिन्हें आप इग्नोर कर रहे हैं, और वो इग्नोर करना कहीं ना कहीं आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, तो थोड़ा सा आप समझने की ज़रूरत है, थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा उस पर आप कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। आपको अपनी क्षमताओं का अंदाज़ा आने की वजह से महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। नाराज़गी को दूर करें, आप अपनी इच्छा शक्ति के ज़रिए अपेक्षा के अनुसार जीवन में बदलाव देख पाएंगे। किसी भी बात से संबंधित निर्णय लेने से पहले अपनी बातों को महत्व दें। दूसरों की बातों में आकर अपने निर्णय को पलटे ना। करियर में स्थिरता की वजह से नए काम उत्साह के साथ शुरू होंगे। हाथ में लिया गया काम सही तरीके से पूरा हो, इस बात का भी आप ख्याल रखें। लोगों पर बढ़ रही निर्भरता की वजह से इनसिक्योरिटी आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पैसे से संबंधित बातों में आप खुद को आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान दें। जब तक पैसों के काम पूरे नहीं होते, तब तक आप अन्य कामों पर ध्यान ना दें। अपने विचारों का अवलोकन आपके द्वारा किया जाएगा। खुद के ऊपर बढ़ रहे अकेलेपन को दूर करने का एक अच्छा मार्ग आपको प्राप्त होने वाला है। जिन लोगों के आप करीबी महसूस कर रहे थे, उनसे बातचीत जारी रखें। केवल जिम्मेदारियों को निभाना और कर्तव्य पूर्ति पर ध्यान देने की वजह से आपको निराशा हो सकती है। इस समय अपनी योजनाओं को मित्र रिश्तेदारों से बिल्कुल भी शेयर ना करें। कोई भी बात लीक होने से आपके बनते कार्य में कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है। मनोरंजन तथा अपने अनुकूल कार्यों के लिए समय ज़रूर निकालें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करते समय अपने बजट का ख्याल रखें। अपने महत्वपूर्ण कार्य को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। समय अनुसार अपने व्यवहार में भी लचीलापन लाएं। ज़िद्दी और वहमी जैसे स्वभाव में कामी काबू पाएं। किसी संबंधी के व्यक्ति समस्याओं को बिताने में आपका योगदान रहेगा, जिसकी वजह से आपका कुछ महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। बाहरी व्यक्ति को अपने घर पर हस्तक्षेप ना होने दें। पारिवारिक छोटी मोटी नकारात्मक बातों को तोड़ना दें। कभी कभार आपका बहुत अनुशासित रवैया परिवार के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसके साथ दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में अहम का टकराव होगा। एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावनाओं को रखना होगा। प्रेम संबंधों में समय ज़्यादा नष्ट बिल्कुल भी ना करें। दूसरों को सलाह देने की वजह अपना दृष्टिकोण में बदलाव करें। किसी नज़दीकी मित्र या फिर रिश्तेदारों से मनमुटाव है अगर, तो उसे सुलझाने की कोशिश करें। गुस्से और आवेग पर आप काबू करें। किसी धार्मिक स्थल पर समय बिताएं, इससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा। साथ ही दोस्तों, ये भी ध्यान रखें कि लोगों की बातों में आने की बजाय लोगों के निर्णय लेने की बजाय लोगों से आप सुझाव लेने की बजाय पहले अपने दिल की सुने, अपनी माने और अपने निर्णय, अपने सुझाव, अपने घर की बातें गुप्त रखें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।